दोस्तों हो गया खुलासा। एक्सीडेंट से पहले इन तीन कारणों के चलते पिछले 6 दिन पहले से मर मर कर जी रहे थे ऋषभ पंत। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के पीछे का एक बड़ा कारण रिवील हुआ है, बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं ऋषभ पंत के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऋषभ पंत ये चेहरा इस समय भारतीय क्रिकेट में गूंज रहा है, क्योंकि दोस्तों भारतीय क्रिकेट का ये सुपरस्टार चोटिल हो गया है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। दरअसल दोस्तों आइए पहले देखते हैं कि ऋषभ पंत को चोट कैसे लगी थी और फिर कारण को डिस्कस करते हैं। दरअसल दोस्तों ऋषभ पंत अपने दिल्ली वाले घर से अपने होम टाउन रुड़की जा रहे थे। रास्ते में जब उनकी कार यहां पर दोस्तों हाईवे पर थी और वो काफी ज्यादा ओवर स्पीडिंग की वजह से कार को कंट्रोल नहीं कर पाए और कंट्रोल खो जाने की वजह से कार डिवाइडर में जाकर टकरा गई। जी हां दोस्तों, रुड़की में जो हाईवे पड़ता है, जो रुड़की के लिए जाता है, उसी हाईवे पर ऋषभ पंत ट्रैवल कर रहे थे और कुछ लोग बता रहे हैं कि कार का स्पीड ज्यादा था, इस वजह से वो कार डिसबैलेंस हुई और जाकर डिवाइडर में टकरा गए, जिससे कार में आग लग गई। लेकिन दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक खिलाड़ी से ऐसी बड़ी गलती क्यों हो सकती है, उसके पीछे दोस्तों कई मानसिक कारण हैं। दरअसल ऋषभ पंत पिछले 6 दिनों से मर मर कर जी रहे थे, क्यों आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ जो T20 और ODI श्रृंखला है, इस पूरी की पूरी श्रृंखला में ऋषभ पंत का नाम ही नहीं है। ऋषभ पंत जो भारतीय क्रिकेट के इतने खतरनाक और बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिनको महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट बताया जाता है, उस ऋषभ पंत का इस T20 और ODI में नाम नहीं है। सबको लग रहा था कि ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में काफी अच्छा खेला है तो उनको इस सीरीज में मौका मिलेगा, लेकिन दोस्तों उनको सीरीज में मौका तो छोड़िए T20 से भी बाहर कर दिया गया। T20 जो कि उनका फेवरेट फॉर्मेट था और उसमें तो वो काफी अच्छा खेल दिखाने में काफी ज्यादा काबिल थे, लेकिन दोस्तों इस सीरीज के आखिर में ये पता चला, बांग्लादेश सीरीज के आखिर में, कि ऋषभ पंत का T20 और ODI से पत्ता कट गया श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें एक और बड़ी प्रॉब्लम की जिससे ऋषभ पंत गुजर रहे हैं, वो होगा दोस्तों ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी से हटाना। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत को टीम इंडिया की वाइस कैप्टनसी की कुर्सी से हटा दिया गया। ऋषभ पंत जिनको भारत का भविष्य का कैप्टन बताया जा रहा था, उनकी कुर्सी अब छीन रही है, क्योंकि उनकी कुर्सी छीन कर सूर्य कुमार यादव को दे दी गई है। सूर्य जो इतने ओवर एज खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी टीम इंडिया और BCCI ऋषभ पंत पर भरोसा नहीं जता पा रही है। आपको क्या लगता है ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं, कॉमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।